बहुत सी मेरु आज शादी ब्याह में यहाँ गरारा पहने गरारा पहने तो गए ऐसे दोनों हाथ से पकड़ के चली लागत है कि कोई इंसान ना बल्कि कोई तूफान आ रहा है अको अगर पंजा फंस के गिरी मुंह के बल तो थू 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 के का हाल हो अल्लाह रे ऐ मेरी माँ बहनों ये लिबास न पहनो वो लिबास पहनो जिससे इनके सारी जाहिर हो। अल्लाह ताला हमको आपको शरीफ इंसान बनने की तौफीक अता फरमाया। बनी आदम ऐ आदम की औलाद तद अंजलना अलैकुम लिबास हमने तुम्हारे ऊपर जन्नत से ये लिबास उतारा है। युवारी सौआतिकुम वरीशा इसलिए हमने लिबास दिया है कि तुम्हारी इज्जत भी छुपे और तुम्हें खूबसूरती भी नसीब हो जाए। अल्लाह ने लिबास दिया है खूबसूरत बनने के लिए इज्जत को छुपाने के लिए, लेकिन आज हमारी माँ बहनें समझती हैं कि सिर्फ खूबसूरती ऐसा लिबास पहनो मेरी माँ बहनों कि जिससे तुम्हारा आधा ढक जाए। लेकिन आज पहनी है नकाब तक कमर में है बंधी है रस्सा लागत है चोरी करे जाते कहूँ डाका डाले जाते। कितना खराब लगता है जब हमारी माँ बहनें कमर में रस्सा बांधती हैं। अरे नकाब इसलिए था कि तुम्हारे जिस्म के नीचे ऊंचे हिस्से को कोई देख न सके, लेकिन तुमने कमर में रस्सा बांध करके दूसरों को अपने जिस्म का हर हर हिस्सा दिखाया है। ऐ मेरी माँ बहनों इसीलिए मेरे नबी ने 1400 साल पहले फरमाया था النبي هريرة قال قال رسول الله حضرت ابو هريره فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ قاسیات عاریات لباس پہننے پہنی ہوئی عورتیں ننگی ہوں گی